लोगों से मैंने पूछा, मैंने कहा तुमने कौन विकास कराया, काम ने विकास कराया, मैंने कहा कौन सा, काम ने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई, उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई, तो हमने हर धाम तीर्थ स्थल को सुंदरीकरण करके दर्शनीय बना दिया है, कोई भी जाएगा बहुत शानदार तरीके से दर्शन करता है। भाइयों बहनों, ये जो गरीबों के कल्याण के लिए कार्य हो रहे हैं, पिपराइच विधानसभा दो दो विश्वविद्यालय आपको दे दिए, आयुष विश्वविद्यालय भी तो आप ही के भटर में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। राष्ट्रपति जी आए थे, राष्ट्रपति जी से पहले कभी आए थे क्या? आए थे ना। और एक विश्वविद्यालय यही पे बालापार में बना रहे हैं, यहां के नौजवानों को नर्सिंग, फार्मेसी, मेडिकल, आयुर्वेद और किसी भी पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बाहर के बच्चे और आप सभी मिलकर के यहीं पे पढ़ेंगे और देश और दुनिया में नाम कमाएंगे। ये विकास होता है। विश्वविद्यालय बना दिए, चीनी मिल चला दी, जहां जहां के लिए पुल के आए थे, पुल के प्रस्ताव, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, आईटीआई, जहां बिजली नीति वहां बिजली पहुंचा दी, जहां सड़क नीति वहां सड़क पहुंचा दी, जिसके बाद राशन कार्ड नहीं थे राशन कार्ड दे दिया, जिसके यहां मकान नहीं था मकान दे दिया, और जिसके पास अभी नहीं होगा उसको फिर देंगे, और जिसके पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं होगा उसको जमीन का पट्टा भी देंगे। ऐसी सरकार चाहिए ना, बेईमानी और भ्रष्टाचार वाली नहीं ना, दंगाइयों का साथ देने वाली नहीं ना। और चुनाव के बाद रवि किशन जी की फिल्मों में काम करने का अवसर भी आपको मिल सके, इसके लिए जोरदार तैयारी कर रहे हैं। आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। भाइयों बहनों, कल चुनाव है 61 सीटों पर पांचवें चरण का, और कल यानी अब तक चुनाव, कल तक जो चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके आगे बढ़ चुकी है, और फिर छठे चरण में गोरखपुर क्षेत्र में चुनाव होना है और सातवें में वाराणसी में होना है। इसमें हमें फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त कर देना। तैयार है सभी लोग तैयार हैं? दमदार सरकार चाहिए ना। पिछली बार गोरखपुर में 9 में से 8 जीते थे, इस बार 9 में से 9 जीतना है। तैयार हैं? इन 9 की 9 सीटों पर पिपराइच में महेंद्रपाल सिंह, गोरखपुर नगर से मैं स्वयं ही हूं, फतेह बहादुर सिंह कैंपेरगंज से, प्रदीप शुक्ला लड़ रहे हैं सहजनवा से, विपिन सिंह गोरखपुर ग्रामीण से, सरवण निषाद लड़ रहे हैं चोरी चोरा से, विमलेश पासवान लड़ रहे हैं बांसगांव से, डॉक्टर से राजेश त्रिपाठी लड़ रहे हैं सिंधुपार से, और श्री राम चौहान लड़ रहे हैं खजली से। 9 सीट है, नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, हित मित्रगण, जितने लोग होंगे देखना, गोरखपुर की नाक बचाना, ठीक है ना। सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए, सहमत हैं? भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे, लेकिन उसकी शर्त एक है, चुनाव के दिन पहले मतदान। सभी लोग सहमत होकर के जाएंगे ना, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, चुनाव और मतदान हमारा अधिकार है, ठीक है, हर व्यक्ति का अधिकार है, और अधिकार का प्रयोग करते हुए संवैधानिक कर्तव्यों का भी पालन करना है, शांतिपूर्ण तरीके से अपने बूथ को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करना है, सहमत है ना। 27 फरवरी को पांचवें चरण के लिए मतदान 12 जिलों की 61 विधानसभा